वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा और इस 10 क्वेश्चंस को आपको ईमानदारी से आंसर देना है और कमेंट करके बताना है कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में पूछे जाने की संभावना भी होती है और कई बार ये पूछे जा चुके हैं, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 10 में से कितने प्रश्न जो हैं वो सही हुए, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। ठीक है, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को जो टारगेट किया मैंने 5000 लाइक का, उम्मीद करते हैं आप सभी वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने में किस गवर्नर जनरल का योगदान रहा है? ठीक है, ये पहला प्रश्न है और इसके चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है इसका जवाब आपको देना है और इसमें चार ऑप्शन है, अमेजोन, नील, गंगा और नर्मदा। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन ए है चंपारण, बी है गुजरात, सी है दक्षिण अफ्रीका और डी है अमेरिका। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो दक्षिण अफ्रीका में किया था और भारत में चंपारण में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो क्या है? तो राष्ट्रध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है, यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके पास, 5:1, 3:4, 2:1 या फिर 3:2। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, 3:2 होता है राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ठीक, इसको उलट करके भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, तब हो जाएगा 2:3। ठीक है, अगर चौड़ाई पहले आएगी तो वो 2 होगी और लंबाई जो है बाद में आएगी तो वो 2:3 के अनुपात में होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, गांधी इरविन समझौते को किस नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौते को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके पास, पूना पैक्ट, दिल्ली समझौता, असहयोग आंदोलन या फिर बेलगांव समझौता। तो जो यहाँ पर सही जवाब होगा वो है दिल्ली समझौता, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो सही जवाब आपको देना है, चार ऑप्शन है आपके पास, पंजाब, दिल्ली, ओडिशा या फिर कराची। जो सही जवाब है वो है ओडिशा। ओडिशा में कटक एक जगह है, कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, राष्ट्रपिता की उपाधि जो है महात्मा गांधी को किसने दी, चार ऑप्शन है आपके पास, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो जो सही जवाब होगा यहाँ पर सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपिता की जो उपाधि महात्मा गांधी को दी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है, दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है? ठीक है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, ऑप्शन यहाँ पर दिया है 121 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या फिर 211 किलोमीटर। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 111 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? यहाँ पर गहरी झील की बात की गई है, सबसे गहरी झील, चार ऑप्शन है आपके पास, कैस्पियन सागर झील, वूलर झील, वैकाल झील या फिर लेक सुपीरियर, जिसको सुपीरियर झील भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो इसी क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बैकाल झील। ठीक है, बैकाल झील जो है वो सबसे गहरी झील है और सबसे बड़ी झील की जब बात की जाएगी तब होगा कैस्पियन सागर झील, ये है सबसे बड़ी झील। ठीक है, तो जो सही जवाब हुआ आपका कौन सा, वैकाल झील, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी गैस जो है वो कौन सी है? चार ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड।
तो जो इसमें सही जवाब है, सबसे भारी गैस कौन सी हो जाएगी? सबसे भारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न थे जो आपने हमें कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए 10 में से। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।